फर्स्ट डॉग था, फर्स्ट डॉग है। ओके ये फर्स्ट डॉग देख सकते हो, काफी ज्यादा प्यारे हैं बीगल्स। तो गाइस दिस इज द सेकंड पार्ट, तो आपको पता ही है लाइक मैं पैराडाइज कैनल में हूँ, तो बाजी का देख सकते हो ब्लॉग पैराडाइज कैनल के नाम पर बाजी ने इधर कैनल सेटअप किया हुआ है। सो गाइस इस ब्लॉग में है ना हमने है ना बीगल कवर करने हैं, बीगल काफी ज्यादा जो जिसको हम नॉटिएस्ट ब्रीडिंग भी हम कह सकते हैं ना बीगल्स को, वो कवर करनी है। तो पाजी बीगल्स भी रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने समर्ड और हस्की कवर किए थे, तो इस पार्ट में हम बीगल्स कवर करेंगे। तो अब ना अंदर चलते हैं, तो ऐसे अब अंदर पाजी से मिलते हैं। और पाजी कैसे ठीक हो सर आप बताइए। तो हम पार्ट वन में तो हम मिल चुके थे, अभी पार्ट सेकंड में चलो हमने कैमरा के सामने फिर से हम मिल लेते हैं। तो गाइस हम देख सकते हो बीगल्स के लाइक आप गैंग ही है ना पाजी आपकी, बीगल्स की गैंग आप देख सकते हो, देखा नीचे देखो तो आप देख सकते हो बीगल की सारी गैंग है ना आपके पास। तो पाजी आपके पास कितने होंगे लाइक बीगल? सर मेरे पास 15 है टोटल। ओके 15 डॉग्स है आपके पास देख सकते हो गाइस, मतलब सही चीज है बीगल देख सकते हो, बड़ी प्यारी है। मेरे 12 फीमेल है 3 मेल। ओके 12 फीमेल और 3 मेल है, तो आप बड़े ही प्यारे हैं बीगल काफी ज्यादा देख सकते हो। हम इसको पाजी आपका सबसे पहले बीगल्स के ऊपर ब्रीडिंग करने लगे। हाँ जी हाँ। ओके तो वैसे आप पाजी को ना बीगल्स के ऊपर ब्रीडिंग करते हुए 10 साल ही हो गए लगभग, जैसे हम बात करते थे 2010-11 से आप पाजी ब्रीडिंग कर रहे हैं बीगल्स के ऊपर। तो आपका क्या रिव्यू है बीगल्स के ऊपर की नॉटी ब्रीड है कि नहीं? सर एक्टिव ब्रीड तो है ये, काफी ज्यादा एक्टिव है। ओके ठीक है। हाँ लेकिन प्लस पॉइंट इनका ये है कि जैसे किसी ने अगर घर में रखने हैं कोई फ्लैट वगैरह में रह रहा है तो इनकी हाइट कम होती है। ओके ठीक है। तो इनको वहाँ पे रख सकते हैं, मतलब इजीली आप रख सकते हैं। अच्छा अच्छा कंपेनियन है। हाँ कंपेनियन अच्छा है तो आप देख सकते हैं। और दूसरा इनका कोट की है, इनका कोट झड़ता नहीं है ज्यादा, झड़ता नहीं। हाँ मतलब रफ एंड टफ ब्रीड कह सकते हैं। हाँ ओके रफ एंड टफ, बीमार भी नहीं होती ज्यादा। ठीक है ठीक है, वेदर में एडजस्ट कर लेते। ओके सो गाइस हम देखते हैं मतलब पेडिग्री की हम बात करते हैं बाजी के पास, मतलब कितने अच्छी ब्लड लाइन ही आता है। हाँ। तो हम एक एक करके देखते हैं ब्लड लाइन जाती है पाजी की। भाई ये देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा है बीगल देख सकते हो। तो पाजी इसका क्या नाम है? सर इसका नाम ऑस्कर है। ओके और ये पहला स्टड था हमारे कैनल में। ओके ठीक है, लाइक आपका फर्स्ट डॉग था? फर्स्ट डॉग है। हाँ जी। ओके ये फर्स्ट डॉग, मेल डॉग फर्स्ट है। ओके मेल डॉग फर्स्ट है। तो गाइस इसका सीन बताइए आप, क्या सीन? ये हमने केरला से लिया था। ओके केरला से आपने लिया? हाँ, था। इसका फादर भी इम्पोर्ट है। ओके इसका फादर इम्पोर्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी, आपको पता लग ही जाएगी लाइक। तो पारी क्वालिटी की हम बात करें बीगल्स की, ये सारी मतलब सबसे पहले तो ईयर्स ही मेन होते हैं, प्रॉपर टच करने चाहिए मजल के साथ। प्रॉपर इतने चाहिए, आप खुद चेक कर सकते हो। हाँ, नाक तक आने चाहिए, आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। और पाजी क्या लाइक इसके कलर की बात करें, कितने कलर आते हैं बीगल्स में? इसमें दो कलर आते हैं। ओके एक तो लेमन कलर होता है, ठीक है, और एक ये ट्राई कलर होता है। ओके ट्राई में तीन होते हैं, ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके ठीक है। तो इसका ऑस्कर नाम है, ऑस्कर देख सकते हो। और एज की बात करें पाजी, एज कितनी होगी इसकी? ये सर हो गया तकरीबन 4 साल का। ओके ठीक है, 4 साल की एज है इसकी देख सकते हैं भाई, बड़ा ही प्यारा है। तो गाइस और भी देखते हैं डॉग्स पाजी के, तो चेक कर सकते हो, ये भी काफी ज्यादा प्यारे हैं। तो पाजी इसका सीन बताइए, ये भी कौन से? ये ट्राई कलर में आ गई ये भी पाजी? हाँ ये ट्राई कलर में है, इसका ना कलर थोड़ा डार्क है। ओके कलर इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है, जैसे ब्राउन लाइट होता है ना। ओके तो ये डार्क कलर है। ओके ये डार्क कलर है, ये आजकल ज्यादा डिमांड है। ओके ठीक है, लाइक है ना। तो कैसे ना एक को उठाया था, ये सारे कह रहे हैं कि पाजी को कि गोदी उठाओ है ना, प्यार काफी ज्यादा करते हैं ना पाजी। हाँ, प्यार इनके साथ ही रहते हैं। ओके ठीक है, तो गाइस देख सकते हो ये भी प्यार है। और इसकी पेडिग्री की बात करें, ये कौन सी ब्लड लाइन से है? ये इसका फादर चैंपियन है। ओके अपने पंजाब में काफी शो जीत चुका है। ओके ठीक है। मदर इसकी लोकली है लेकिन अच्छी ब्रीड की है। ठीक है अच्छी ब्रीड की है, मतलब आप देख सकते हैं जिनसे लिया है उनका भी अच्छा नाम है बीगल में। ओके ठीक है, गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारे हैं बीगल्स, लाइक ब्रीड सही है, प्राइस भी सही है। प्राइस भी सही है, मतलब कि मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर सकते हैं और रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी ब्रीड है। ओके बच्चों के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके ठीक है। और हम बात करें पारी बीगल की स्टैंडर्ड की और ओरिजिन की बात करें, बीगल का मतलब कहाँ की ब्रीड है ये? यूनाइटेड किंगडम की है वैसे तो। ओके ठीक है। जर्मनी में भी होती है ये, ठीक है, इंग्लैंड में है। ओके इनको वहाँ पे ना जैसे हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। ओके ठीक है, जैसे छोटे वो पिग होते हैं। ओके उनके लिए, और या फिर अपना जैसे चूहे हो गए, ठीक है,
वो हाँ। वो सब के लिए किया जाता था हाँ, हंटिंग डॉग है, हंटिंग डॉग है, बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है हाँ। तो अब मतलब हम बात करें इसकी ब्रीड स्टैंडर्ड की, हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए इनकी? हाइट इनकी वही होती है जैसे 22 से 34 38 इंच के बीच में। ओके ठीक है हाँ, नॉर्मल इतनी रहती है, नॉर्मल वही होती है जो ज्यादा कर जाती है हाँ, वो लेकिन ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मतलब फॉल्ट माना जाता है कि नहीं? नहीं फॉल्ट कोई नहीं है। ओके ठीक है, मतलब के सही माना जाता है। आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं किसी ने बोला हो कि हमारा ओवर साइज हो गया। ओके ठीक है, ऐसे हो गया। ओके ठीक है, और आप कम भी नहीं रहती है और ज्यादा भी नहीं। ओके हाइट नॉर्मल रहती है, हाइट आप चेक कर सकते हैं। आपको ना पपीज दिखाएंगे तो पाजी ने स्पेशल किड्स रूम पाजी ने बनाया, ये अडल्ट रूम है और ये किड्स रूम है। तो ना मैं आपको प्यारे प्यारे पपीज दिखाता हूँ, तो गाइस आप चेक कर सकते हो। अब अंदर चलते हैं, देख सकते हो क्यूट क्यूट से पपीज आ गए इधर। तो पाजी ने स्पेशल पाजी ये किड्स रूम ही है ना पाजी, पपी रूम है। ओके ठीक है, तो पाजी इसकी एज की बात करें, पपीज कितनी कितनी एज की होंगी? काफी 17 डेज के। ओके ये 17 डेज के पपीज है, देख सकते हो गाइस कैसे दूध पी रहे हैं, काफी ज्यादा देख सकते हो इसकी हरकतें, देखना और देख सकते हो। और एक उधर भी है ना पाजी, ये पाजी कौन से लीटर के हैं? ये 37 डेज के हैं। ओके ठीक है, जी ये 37 डेज के। और हम प्राइस की बात करें, प्राइस क्या रहता है? प्राइस सर जो आजकल नॉर्मली चल रहा है, जैसे मेल का 10,000 हो गया। ओके, और फीमेल का 6,600। ठीक है, फीमेल का 6,000 रेट थोड़े ड्रॉप हो गया। ओके ठीक है, बाकी हाँ लाइक आपको मिल जाएंगे आपको। ये बुकिंग ओपन है आपके पास, तो पाजी का मैं कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हो पाजी को ऐसी क्वालिटी के पपीज लेने के लिए। आप देख सकते हो पाजी, आप मदर फादर आप दिखाओगे दिखाओगे कि इस ये मदर है ये फादर है। कस्टमर पे डिपेंड करता है, अगर वो बोलते हैं कि हम उनको फोटो वीडियो शेयर करके हाँ। जैसे डिलीवर भी कर देते हैं। ओके ठीक है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, मदर फादर देख के लेके जाना है हाँ। तो ओके, आप तो मेरे मतलब आप तो यही आपका कहना मतलब इधर विजिट होती है, विजिट कर आपकी तसल्ली से लेकर डिलीवरी की हमारी टेंशन खत्म हो जाती है हाँ। बाकी ऐसे कि आपको भी अच्छा लगता है कि लाइक आपसे मिलने आए हैं, कि डॉग्स सही घर में थोड़ा सेटअप देख लेता है ना हाँ। तो पता चल जाता है कि हाँ इनके पास क्वालिटी है हाँ। चलो एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए हाँ, हमारा है 9781882003। ओके सो गाइस आप पाजी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनकी बुकिंग ओपन है, वो सेल के लिए तैयार है। 40 डेज के हो गए, 38-40 डेज के हो गए, 37 डेज हाँ 37 डेज के हो गए, मतलब 45 डेज तक आप कॉपी डिलीवरी लग चुका है। ओके 45 डेज के तक आप मतलब दे दोगे। और ये हमारा हस्की बैठा है देख सकते हो, ये काफी ज्यादा नोटी है ना भाई, तो इधर ही रखा हुआ है हाँ, ये अभी है पपी है तो हाँ, पपी है ये इधर ही रहेगा हाँ ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये भी बेचारा थक गया। तो गाइस अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा ना तो पार्ट वन जरूर चेक करना, इसकी हरकतें दिखाई है और स्मार्ट कवर की थी वो जरूर चेक करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।